असलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से बाइनांस में डॉलर सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को सेल का बताता हूँ किस तरह से आप सेल कर सकते हैं, चाहे जो भी इसका जो है ना टोकन हो, TRX में हो या USDT में हो या BUSD में हो, आपने सेल करना होता है। बिल्कुल सिंपल है। तो सेल करने के लिए हमें सिंपल ट्रेड्स पर आना है। उसके बाद यहाँ बिल्कुल सामने इसके P2P लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पे अगर आपके पास जो भी कॉइन है USDT में है या बिटकॉइन में है या BUSD में है, तो मेरे पास TRX में पड़े हुए हैं, तो मुझे TRX सेल करने हैं। तो अमाउंट में आना है और यहाँ पे मिनिमम कम से कम 1000 रुपये अपने जो है ना पुट करना है। उसके बाद इजी पैसा सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास इजी पैसा है या बैंक है कोई भी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पर आपने आना है। उसके बाद ये जो फिल्टर लगा हुआ है इसको आपने ऑफ़ करना है। ठीक है, यहाँ से इसे ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर सेल पर आप लोगों ने आना है। ठीक है, जैसे आप सेल पर आएँगे तो सेल पर आने के बाद सही है, तो इसको भी आप लोगों ने ऑफ़ करना है सेल पे आने के बाद। तो यहाँ पे पहला जो मेंबर है जो हमें 1000 रुपये से जो है ना मतलब हमारा बाय कर रहा है, तो हमें यहाँ पे सेल पे सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपको मतलब जितने भी मतलब TRX 10 TRX बेचने हैं, मतलब 20 बेचने हैं, 50 बेचने हैं, वो आपके मुझे सारे बेचने हैं, तो मैं यहाँ पर ऑल कर दूँगा तो सब आ जाएंगे। और यहाँ पर आप अपना पेमेंट जो है ना मेथड देंगे, जो भी आपका मेथड है। उसके बाद हम यहाँ पर सेल विथ 0 फी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सेल विथ 0 फी पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से इस बंदे के साथ चैटिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे आना है हमें। ठीक है, यहाँ पे वो आई एम सेंडिंग पेमेंट, वो पेमेंट सेंड कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ भाई, मतलब जो मेरा इजी पैसा का अकाउंट नंबर है कहूँगा, उसको कहूँगा भाई मेरे जो इजी पैसा का अकाउंट नंबर मतलब नेम है वो इसरार अली है। ठीक है, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम और नंबर भी यही है 03, मतलब आपका जो भी मतलब नंबर है वो आपने इसको सेंड करना है। यहाँ से आपने इससे बिल्कुल आपसे इससे बातचीत करना है। ठीक है, जब तक वो आपको पेमेंट सेंड ना करे आपने डॉलर रिलीज़ नहीं करना, ये बात आपने चेक करना है। एक बार आपने अपना इजी पैसा भी चेक करना है। ठीक है, मैं अभी वेट करता हूँ पेमेंट के लिए जब तक वो सेंड करे। तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं, इस बंदे ने मुझे पेमेंट कर दी है। ठीक है, जो भी पेमेंट थी वो पेमेंट इसने बिल्कुल बराबर कर दी भाई, 2206 रुपये की पेमेंट की इसने अभी अभी बिल्कुल, यहाँ पे इसने स्क्रीनशॉट ठीक है सेंड किया है। तो अभी हमने क्या करना है, पेमेंट करने के बाद हमें ये करना है, हमें उसे रिलीज़ करना है। ठीक है, मैं यहाँ से उसे ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं बैक आऊँगा और यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। अगर आपके पास सही पेमेंट रिसीव नहीं हुई है तो आपने पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास पूरी पेमेंट रिसीव हुई है ना, तो आपने इस पर आई हैव रिसीव्ड एंड वेरीफाइड द पेमेंट, उसके बाद आपने कन्फर्म रिलीज़ करना है। आपने चेक ज़रूर करना है। ठीक है, चेक ज़रूर करना है कि भाई मेरे पास बैलेंस आया या नहीं आया है। तो मैंने चेक किया तो उस बंदे ने मुझे जो है ना सेंड कर दिया था। तो ये देखिए, मैंने उसे जो है ना रिलीज़ कर दिया, अभी मैंने सोल्ड हो गया मेरा, आप चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये तरीका है मतलब सेल करने का। इंशाल्लाह फिर बाय करने के ऊपर भी आप लोगों को मतलब एक वीडियो बनाऊंगा, फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।